सो हेलो देयर एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज स्पीडी लियो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिस्क ब्रेक, दैट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ डिस्क ब्रेक ऑन RX, वेदर इट बी 100 और 135, दोनों के लिए सेम ही है। तो आज हम लोग वो टॉपिक पे बात करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। वन किक स्टार्ट। सो गाइस, स्टार्टिंग ऑफ विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, वो रहेगा एडवांटेजेस। तो हम लोग पहले एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, फिर डिसएडवांटेजेस। सो एडवांटेजेस पे आ जाते हैं, तो पहला पॉइंट अपना रहेगा वो है अमेजिंग ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। तो जैसे कि मैं ये डिस्क ब्रेक सेटअप डालने का मैं ट्राई कर रहा था, वो टाइम पे अपना चैनल पे बहुत सारा वीडियोस आ गया था रिगार्डिंग द डिस्क ब्रेक इंस्टॉलेशन, एंड वो देख के कुछ लोग का कमेंट भी आया था कि भाई 100 में कुछ ज़रूरत नहीं है डालने का, 135 में डालो एंड ऑल दैट। तो मेरे को भी थोड़ा डाउट आया कि भाई हाँ, पॉइंट तो थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन जब भी मैंने इंस्टॉल किया गाड़ी में, तो ये अभी तक का मेरा गाड़ी में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। मतलब 9000 रुपीज़ मेरा गया इसके अंदर, लेकिन वो एक इन्वेस्टमेंट लग रहा है, वो मैं ऐसा नहीं लग रहा है कि वो खर्चा किया मैं, एकदम इन्वेस्टमेंट है वो, बहुत सही काम हो गया है। एंड ब्रेक बहुत ज़बरदस्त लगता है, 60 का स्पीड से क्रेजी। मतलब मैं अभी वो डिस्टेंस कितना जल्दी वो रुकता है वो नहीं बता सकता, लेकिन जो रुकता है बहुत कम डिस्टेंस में, एंड फीडबैक बहुत ज़बरदस्त है। मतलब एकदम आपको ऐसा डर नहीं लगता है कि आपका गाड़ी एकदम ही उड़ जाएगा, स्टॉपी वीपी हो जाएगा, वैसा लेवल का क्रेजीनेस नहीं है इसके अंदर, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। मतलब यूज़ करने को आ गया तो बहुत ही सही चीज़ है। एंड अपने गाड़ी में जैसा है ग्लैडिएटर का सेटअप, कोई पल्सर लगाता है, कोई अपाचे लगाता है, वो अलग ही टॉपिक है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो ग्लैडिएटर का ये वाला अमेजिंग परफॉर्मेंस, तो वो पहला चीज़ कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है इसका ब्रेकिंग में ये गाड़ी में, एंड डायरेक्ट फिट है तो इंस्टॉलेशन में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, वो है लुक्स अमेजिंग, लुक्स गुड ऑन द बाइक। अभी मैं आप लोग को साइड में गाड़ी ज़रा खड़ा करके दिखा दूँ, ऐसे तो आप लोग ने बहुत बार देखा है, लेकिन ये वीडियो के लिए एक बार। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आगे से कैसा दिखता है, एकदम ज़बरदस्त, बहुत ऐसा बड़ा दिखता है। पहले मतलब उधर ड्रम था, ड्रम सेटअप, तो गाड़ी थोड़ा खाली दिखता था आगे से। ओह शिट, गाड़ी थोड़ा वो जगह से खाली दिखता था, अभी थोड़ा भरा लग रहा है, मतलब एम्प्टी नहीं लगता है, गाड़ी एकदम कंप्लीट दिखता है। तो एक लुक में बहुत अच्छा दिखता है गाड़ी। एंड डिस्क ब्रेक के साथ में मैंने और भी एक चीज़ इसमें इंस्टॉल किया है, जो है मिशलिन का सिराज स्ट्रीट। तो अपने गाड़ी में आगे 2.7518 एंड पीछे 3.0018 मिशलिन सिराज स्ट्रीट डाला है, एंड जो स्टॉक वाला आता है वो आगे है 2.50 एंड पीछे आता है 2.75। तो अपना आगे है 2.75 एंड पीछे 3.00, तो वो एक फ़र्क है, इसके लिए गाड़ी का ऐसा लुक आता है, थोड़ा बल्की दिखता है गाड़ी। सो गाइस, दैट वाज द सेकंड पॉइंट, दैट द बाइक लुक्स बल्की एंड लुक्स कंप्लीट विद द डिस्क ब्रेक सेटअप। फिर गाइस, जो थर्ड पॉइंट पे आ जाएंगे हम लोग, वो है बाइक फील्स मोर प्लांटेड। अभी जैसा कि आप लोग को मालूम है, RX आगे से बहुत हल्का लगता है, एंड उसका ये गाड़ी का थोड़ा रियर बायस्ड थोड़ा वेट है, इसके वजह से गाड़ी पिलियन के साथ में व्हीली उठ जाता है, क्योंकि इसका आगे थोड़ा लाइट वेट है ये। लेकिन जब भी डिस्क ब्रेक डालने के बाद में हल्का सा वेट आगे बढ़ा है, जिसके वजह से गाड़ी हैंडलिंग में भी बहुत मस्त लगता है, एंड एकदम थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है गाड़ी चलाने को। दैट वॉज द थर्ड पॉइंट। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, जो रहेगा यू गेट मोर कॉन्फिडेंस वाइल राइडिंग द बाइक। अभी जैसे कि आप लोग को मालूम है, जब से मैंने डिस्क ब्रेक डाला है तो अपना राइड्स का संख्या थोड़ा बढ़ गया है
मैं राइड्स ज़्यादा मार रहा है, हर सैटरडे को तो एक राइड होता ही है एंड वो भी छोटा मोटा नहीं, हाईवे राइड हो जाता है। एंड वो इसीलिए क्योंकि अपना गाड़ी में ब्रेकिंग अच्छा हो गया है, क्योंकि ये गाड़ी भागता है लेकिन रुकता नहीं है। एंड ड्रम ब्रेक में वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि गाड़ी रुकता ही नहीं था। एंड जैसे कि आप लोग को मालूम रहेगा, कोई भी गाड़ी का, कोई भी बाइक का 70% ब्रेकिंग का पावर आगे से रहता है। एंड ये गाड़ी फीडबैक ही नहीं देता था वैसा, मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था। मतलब आप 60-70 पे गाड़ी चला रहे एंड फटाक से अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गया तो गाड़ी रुकेगा ही नहीं, तो भाई कुछ भी हो सकता है। इसलिए ब्रेक्स बहुत मस्ट है, ब्रेक अच्छा वाला डालना ही चाहिए। सो गाइस, दोज वर द एडवांटेजेस ऑफ द डिस्क ब्रेक सेटअप। नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस, तो पहला जो डिसएडवांटेज रहेगा वो ये है कि आपको ये अच्छा प्राइस में मिलने का बहुत मुश्किल है। मतलब मिल तो जाएगा, सब जगह पे मिलेगा आपको, लेकिन कौन कैसा चीज़ बेच रहा है, क्या प्राइस में है, वो उसका आइडिया बहुत लोग को रहता नहीं है। एंड मे भी वही उन लोग में से ही आता है, क्योंकि अपन क्या भाई गैरेज वाला है नहीं कि अपने को हर एक चीज़ का प्राइस एकदम प्रॉपरली मालूम रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोग को यही सजेस्ट करेगा कि आप लोग मार्केट में देख लो कौन सा कंडीशन में किधर कैसा क्या प्राइस में मिल रहा है। एंड इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि क्या क्या आपको चेक करने का है डिस्क ब्रेक सेटअप लेने से पहले। अभी वो ऊपर आई बटन में आपको दिख जाएगा, आप लोग उधर भी जाके चेक कर सकते हैं। तो यही बात है, इजीली अवेलेबल नहीं है, अच्छे प्राइस में आपको मिलने का थोड़ा मुश्किल है। एंड अच्छा क्वालिटी वाला सामान भी ज़रूरी है कि मिलना चाहिए, तो वो सब आपको चीज़ देखना पड़ेगा। सो ये सब चीज़ आता है। देन कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, दैट विल बी थोड़ा कॉस्टली है ये अभी। मतलब फॉर एग्जांपल अभी जैसा आप लोग को मैंने बताया 9,000 रुपीज़ मेरा घुस गया इसके अंदर। अभी वो इन्वेस्टमेंट है वो अलग बात है, लेकिन हर कोई इंसान करेगा नहीं ये सब चीज़। मतलब एक नॉर्मल इंसान जिस जो गाड़ी सिर्फ डेली चलाता है डेली नीड्स के लिए, उसका मतलब अप डाउन करने का, उसको कोई जगह से एक जगह से दूसरा जगह उसको जाने का है, तो वो क्यों खर्चा करेगा इतना पैसा उसके अंदर। अभी मेरे जैसा कोई पागल रहेगा जो शौकीन है गाड़ी का, वो बोलेगा कि डालो, गाड़ी अच्छा दिखना चाहिए बस। पेट्रोल खत 75, क्या बात है, शूट के बीच में पेट्रोल खत्म। चलो कोई टेंशन नहीं है, पास में ही पेट्रोल पंप है अपना माझीवाड़ा पे। सो एज आई वाज सेइंग कि कोई एक नॉर्मल इंसान डालेगा नहीं इतना पैसा, मेरे जैसा कोई पागल शौकीन रहेगा वही डालेगा इतना पैसा ब्रेक में। लेकिन अच्छा है, आपके ऊपर है, नहीं डालेंगे तो भी चलता है, लेकिन डालेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा ब्रेकिंग का। अगर आप गाड़ी बहुत भगाते हैं तो मैं तो आपको बोलेगा कि ये डालो, बहुत ही मस्ट है फिर ये चीज़। सो दैट्स दैट। फिर थर्ड पॉइंट पे जो आएंगे वो है, जैसे कि आप लोग को बताया मैंने, ये खर्चा है, थोड़ा महंगा चीज़ है ये, एंड उसी के साथ में इसको मेंटेन करने का भी थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी जैसा ड्रम ब्रेक्स हो गया, उसमें आपको क्या वो लाइनर चेंज करना पड़ता है सिर्फ, और कुछ नहीं। नहीं तो कभी तो अगर केबल वेबल का काम अगर आया तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर मालूम नहीं रहेगा। अभी फॉर एग्जांपल एक खर्चा भी इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, सस्ता है, ब्रेक पैड एक पैड ये सब ऑयल वेल सस्ते में आता है। लेकिन अगर कोई इंसान उसको राइडर प्रॉपरली मेंटेन नहीं रख रहा है, जैसा ब्रेक पैड अगर वो टाइम टू टाइम चेंज नहीं कर रहा है, तो वो डिस्क को ख़राब कर सकता है, वो डिस्क कट हो जाता है एंड वो और ही बड़ा खर्चा हो जाएगा। मतलब अगर आप ब्रेक पैड अगर ध्यान से टाइम पे चेंज नहीं किया तो आपका डिस्क ख़राब हो जाएगा, तो वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है डिस्क ब्रेक लेने के टाइम पे, एंड उसको ज़्यादातर तो संभालने के टाइम पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। देन जो लास्ट पॉइंट रहेगा वो है, इसको चलाने के लिए डिस्क ब्रेक को थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल अगर कोई नया राइडर है, अभी जैसा बारिश वरिश का टाइम चल रहा है, टर्निंग विर्निंग पे गाड़ी अगर वो भगा रहा है एंड अचानक से ब्रेक मार दिया,
तो गाड़ी 101% स्किड होएगा, क्योंकि ये सिर्फ डिस्क ब्रेक है, ABS नहीं है इसके अंदर। एंड कुछ कुछ सब्सक्राइबर लोग हैं, क्या उनका दिमाग चलता है मेरे को समझ में नहीं आता, बोलते इसमें ABS डाल दो। अरे भाई ABS ऐसा नहीं डालता इसके अंदर, कोई भी ABS डाल ही नहीं सकता है, कोई कंपनी से आता है वो, तो वो एक बात है। ABS है नहीं इसके अंदर, जो है डिस्क ब्रेक है, आपका फिंगर नीचे का ब्रेक, जैसा आप अप्लाई करेंगे, जोर से अप्लाई करेंगे तो गाड़ी जोर से रुकेगा, धीरे से अप्लाई करेंगे तो धीरे से रुकेगा। तो एक्सपीरियंस चाहिए डिस्क ब्रेक यूज़ करने के लिए ये वाला। सो गाइस, यही था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिस्क ब्रेक सेटअप। आई होप आप लोग को पसंद आया रहेगा वीडियो, कुछ सीखने को मिला रहेगा। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में ये वीडियो शेयर करो। अंटिल देन, दिस इज स्पीडी लियो साइनिंग ऑफ। गुड बाय, टेक केयर एंड पीस, राइड सेफ।